खबर सामने आई है जहां पर दो पक्ष आमने सामने हुए हैं, जमकर पत्थर चले हैं। कल देर रात बताया जा रहा है यह हंगामा। और आपको यह भी बता दें, हंगामा के साथ साथ उपद्रवियों ने एक दुकान को आग के हवाले भी कर दिया। देर रात तक पुलिस ने क्षेत्रवासियों से समझाइश का दौर वहां पर जारी रहा। मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया। आलाधिकारी मौके पर देर रात तक मौजूद रहे। ये आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, उपद्रवियों ने किस तरह से उपद्रव मचाया है। दो पक्ष आमने सामने हुए, जमकर पत्थर भी चले, एक दुकान को आग के हवाले भी किया गया और पुलिस बल वहां पर तैनात किया गया। फिलहाल आपको यह भी बता दें कि सूरसागर जोधपुर से ये बड़ी खबर है, कुछ लोगों को हिरासत में भी पुलिस लेकर आई। ये ईंट पत्थर की जो तस्वीरें आप देख सकते हैं कि वहां का माहौल कितना ज्यादा बिगड़ गया होगा। भारी पुलिस बल वहां पर तैनात किया गया, अधिकारी वहां पर मौजूद रहे। उपद्रवियों से आमने सामने दोनों पक्षों को समझाने की कोशिश लगातार जारी रही है। तो बिल्कुल, कल देर रात जमकर हंगामे की तस्वीर सामने आई जहां पर ईंट पत्थर जो है चलते हुए नजर आए और इस दौरान कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया गया और पुलिस ने माहौल को शांत करने की कोशिश की है। महिलाएं पुरुष सभी जो है वहां पर नजर आई थी। मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात है, हालांकि फिलहाल माहौल को शांत कर लिया गया है। कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है और अब आगे जो है इस पूरे मामले पर जांच की जा रही है। दो पक्षों में विवाद ये बताया जा रहा है, जहां पर उपद्रवियों ने एक दुकान को आग के हवाले भी कर दिया और जैसे ही विवाद बढ़ा पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस थाना सूरसागर में शाम के करीब 6-7 बजे के आसपास जो है पथराव की सूचना मिली, उसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची। व्यापारियों का मोहल्ला सुभाष चौक, कुछ कॉलोनी है जो सूरसागर थाना क्षेत्र में, वहां पर पुलिस पर भी पथराव किया गया और उस संबंध में अभी मौके पर संपूर्ण जाप्ता कमिश्नरेट का वहां पहुंचा और मुकदमे दर्ज किए गए हैं। और जिन लोगों ने पुलिस के ऊपर पथराव किया है या धार्मिक भावनाओं को भड़काने का प्रयास किया है, उनको दस्तयाब कर थाने लेकर आए। तो आप सुन रहे थे जहां पर पुलिस के अधिकारी ने साफ तौर पर किया कि जिन लोगों ने भी वो माहौल को भड़काने की कोशिश की उनको गिरफ्तार किया गया, उनको दस्तयाब किया गया है। और साथ ही आपको ये भी बता दें, फिलहाल माहौल वहां का शांत है। देर रात ये दो पक्ष आमने सामने भिड़ गए थे, आला अधिकारी देर रात तक मौके पर मौजूद थे। ना सिर्फ तस्वीरों में महिलाओं को दस्तयाब किया, महिलाएं भी दस्तयाब की गई हैं, वहां पर पुरुष भी निकलते हुए नजर आए। हालांकि माहौल ज्यादा बिगड़ गया था क्योंकि जिस तरह तस्वीरें निकल कर आई हैं ईंट पत्थर की, वो बता रही हैं कि जमकर पत्थरबाजी के साथ साथ एक दुकान को आग के हवाले भी किया गया। आक्रोशित ज्यादा वहां पर दो पक्ष के आमने सामने के लोग हो गए थे। फिलहाल माहौल वहां का शांत है, सिचुएशन अंडर कंट्रोल बताया जा रहा है। सूरसागर के जोधपुर के सूरसागर से एक खबर है। तो फिलहाल ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कल देर रात जमकर हुआ था ये हंगामा, दो पक्ष आमने सामने हो गए थे। अब फिलहाल ये देखना होगा कि दोनों पक्ष आमने सामने किस बात को लेकर हुए थे कि अपनी भी जान जोखिम में डालकर इस तरह से ईंट पत्थर चले और दूसरों के ऊपर भी प्रहार किया गया। तो ये जो जानलेवा कोशिश की गई दोनों पक्षों के तरफ से, वो क्यों की गई है, क्या ऐसा मामला था और ये क्या मामला, पहले से पुलिस को इस बात की सूचना थी क्या, इस बात पर पहले भी पुलिस को सूचना दी गई थी, तो ये सारे सवाल हैं जिस पर कार्रवाई का विषय है। फिलहाल सिचुएशन अंडर कंट्रोल बताई जा रही है। देर रात जो पुलिस के आला अधिकारी थे वो मौके पर पहुंचे, दोनों को समझाने का प्रयास किया गया, जो लोग नहीं समझ में आए उनको दस्तयाब किया गया। ये आप तस्वीरें देख सकते हैं ईंट पत्थर की टूटी हुई, यानी कि एक दो पत्थर नहीं, जो हाथ में जिसके जो आया उतनी जोर से और उतनी प्रकार से प्रहार किया गया है। आग के हवाले एक दुकान को किया गया वहां पे, क्योंकि दमकल की गाड़ी भी मौके पे मौजूद थी आग को बुझाने के लिए। फिलहाल ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता रंजन जुड़ चुके हैं। रंजन, अभी माहौल क्या है और क्या जानकारी देंगे, पुलिस क्या एक्शन और ले रही है? देखिए, अभी फिलहाल अगर बात की जाए तो लगातार पुलिस का जाब्ता जो है वहां मौजूद है और फिलहाल शांति कही जा सकती है, लेकिन स्थिति जो है निश्चित तौर पर पुलिस के होने के कारण शांतिपूर्ण कही जा सकती है। तो अगर पुलिस किस तरीके की भूमिका रहती है, यह बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। और उसके बाद में जहां तक इस घटना की बात की जाए तो एक दिन पहले रात के समय कहीं दो बच्चों की जो लड़ाई थी, नाबालिग कहे जाएंगे, उनकी आपस में लड़ाई थी और उसके बाद में ये मामले ने तूल पकड़ा है। और उसके बाद में शुक्रवार की रात को ये बड़ा बवाल हुआ है और इस बवाल को देखते ही देखते जो आगजनी की घटना हुई है, पथराव की घटना हुई है, जिसके बाद में पुलिस का जाब्ता वहां पहुंचा है, आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं और
लोगों को पकड़ने की भी कार्रवाई की है, लोगों को तितर बितर किया गया था। बीती रात का जो माहौल था तकरीबन दो घंटे से अधिक का जो ये घटनाक्रम रहा था, रंजन माहौल बिगड़ने के पीछे की वजह क्या है, आखिर क्यों दो पक्ष आमने सामने हो गए, और फिलहाल क्या वहां पर पहले भी इस तरीके का कोई माहौल बिगड़ा है कभी? देखिए, ये जो क्षेत्र सूट सागर का जो इलाका है जहाँ ये बीती रात जो घटनाक्रम हुआ है, पूर्व में भी इस तरीके के घटनाक्रम वहाँ हुए हैं। एक सेंसिटिव जोन के तहत इस क्षेत्र को देखा जा सकता है। लोगों ने बीच में मकान बेचकर जाने के पलायन के भी यहाँ पोस्टर लगाए थे, वो भी संबंधित क्षेत्र से ही जुड़ा हुआ है। लेकिन जो ये घटनाक्रम हुआ है इसमें जो जानकारी स्पष्ट तौर पर तो नहीं आ पाई है, लेकिन फौरी तौर पर जो जानकारी मिल रही है उसके तहत एक दिन पहले दो नाबालिग युवकों की किसी बात को लेकर के तकरार हुई थी, और तकरार के बाद में मारपीट जैसी बात हुई थी। कुछ लोग थाने भी पहुंचे थे, थाने पहुंचकर उन्होंने विरोध भी जताया था, लेकिन बीती रात शुक्रवार की रात को। ठीक है रंजन, बहुत बहुत शुक्रिया। कहा दो पक्ष आमने सामने हो गए, दोनों पक्षों में जमकर पत्थर भी चले हैं। कल देर रात जमकर हंगामा भी हुआ है, उपद्रवियों ने एक दुकान को भी आग के हवाले किया है। क्षेत्रवासी को लगातार देर रात पुलिस समझाती रही, मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा, आला अधिकारी मौके पर देर रात मौजूद रहे। फिलहाल माहौल को शांत कर लिया गया है और यहां से कुछ लोगों को हिरासत में भी पुलिस ने लिया। हम तस्वीरें आपको दो दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर दुकान में आग जब लगाई गई थी उसके बाद क्या हाल रहा था दुकान की, उसकी भी तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। और दूसरी तस्वीर भी आप देख सकते हैं, दूर की ये तस्वीर है जहां पर आप देख सकते हैं किस तरीके की आग के लपटे नजर आ रही है, बेहद ही जो है भयानक तस्वीरें रही हैं। हालांकि उपद्रवियों ने एक दुकान को आग के हवाले कर दिया था, और दो तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से आग का तांडव देखने को मिला है। तो सिर्फ दुकान को आग के हवाले नहीं बल्कि जमकर दो पक्षों में ये लात घूसे भी चले। चंद्रशेखर हमारे साथ संवाददाता लाइव तस्वीरों से जुड़े हुए हैं। चंद्रशेखर, अभी माहौल वहां का क्या है सूर सागर का? देखिए, बात करें तो ये वो इलाका है राजूराम सर्किल जहां पर ये इसके जस्ट आगे निकलते हैं तो एक ऐसा इलाका आता है जहां पर हिंदू और मुस्लिम दोनों पक्ष आमने सामने रहते हैं। इस क्षेत्र में जो है एक नाबालिग युवक पर जो है कुछ लोगों ने दो दिन पूर्व हमला किया था। उस पर आरोप ये था कि वो जो है हिंदूवादी पोस्टों को बहुत ज्यादा शेयर करता था। उसके बाद यहां पर एक छोटा मोटा झगड़ा हुआ और इस झगड़े के बाद जो है यहाँ पर अगर बात करें तो शांति व्यवस्था जो है कायम की गई पुलिस की तरफ से। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है चारों तरफ चाक चौबंद पुलिस लवाजमा यहाँ पर तैनात किया गया है। और इसके बाद कल एक बार फिर थोड़ी दूरी पर एक जो है प्लॉट है, विवादित प्लॉट है जो 15 सालों से दोनों पक्षों में विवाद चल रहा है, उसको लेकर जो है कब्जे को लेकर यहाँ पर एक बार फिर जो है दोनों पक्ष आमने सामने हुए थे। दोपहर के समय पुलिस विभाग द्वारा जो दोनों पक्षों की बैठक करवाई गई और दोनों पक्षों में है जो समझाइश की गई, इसके बाद शांति हो गई थी। लेकिन कल देर शाम एक बार फिर जो है यहाँ पर जो है फिर बवाल हुआ और एक पक्ष की तरफ से पथराव शुरू किया गया। और इस पथराव में से बात करिए और पूछिए फिलहाल क्या स्थितियां हैं यहाँ पर, क्योंकि इससे पहले भी हमने देखे थे यहाँ पर कई घरों में नोटिस चिपकाए गए थे कि ये मकान खाली है, इस तरीके के नोटिस भी थे, लोग वहां से पलायन कर रहे थे। क्योंकि बिल्कुल अगर बात करें तो ये जो सूरसागर क्षेत्र है ये हमेशा जो है कहीं ना कहीं जो बहुत जो सेंसिटिव क्षेत्र रहा है, यहाँ पर आए दिन अक्सर झगड़े इस तरह से दोनों पक्षों की तरफ से होते रहते हैं। कई लोग यहाँ पर जो रहने से भी जो है परेशान हो चुके हैं और एक महिला ने तो अपने घर के बाहर जो पोस्टर चिपका दिए थे कि ये मकान बिको हुआ है क्योंकि यहाँ पर जो है रहना मुश्किल है। अगर बात करें तो कुछ लोगों से जानने का प्रयास करेंगे। सर, क्या हुआ था कल? सर, मैं तो 8 बजे तो सो गया था। हाँ, भाई वगैरह था यहाँ पे, अपन कुछ मालूम नहीं, तो सुबह 4 बजे आता हूँ सुबह। घटना की आपको जानकारी तो होगी कि पथराव वगैरह? नहीं, मैं तो 8 बजे चला जाता हूँ, सुबह जल्दी आता हूँ। हालांकि जानकारी होने से मना किया जा रहा है, लेकिन कुछ और लोगों से बात करेंगे। आपको जानकारी है यहाँ पे कल क्या हुआ था? नहीं जानकारी। जो दुकान पे हैं लोग उनसे पूछते हैं। सर, ये यहाँ पर जो आए दिन झगड़े होते रहते हैं दोनों पक्षों की तरफ से, कल क्या हुआ था? सर, हम तो चले गए थे, बंद करा दी दुकान। क्या लोग डर रहे हैं चंद्रशेखर? फिलहाल कुछ भी लोग डर बोलने के लिए तैयार नहीं है चंद्रशेखर, ऐसा लग रहा है। आपका माहौल